आज के इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड के प्रथम पाठ सूर्य के पद से प्रथम पद का अध्ययन करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी शब्द का अर्थ है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगात। अपरस अछूता अलिप्त दूर। रहत रहना स्नेह तगाते। तगा मतलब धागा या बंधन। नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ। नाहिन मतलब नाही। मन मतलब मन। अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। पुरीन पात। पुरीन पात कमल का पत्ता। रहत जल भीतर। रहत रहना जल। जल के भीतर मतलब जल के अंदर। तारस देह न दागी। दागी का मतलब होता है दाग धब्बा। देह मतलब होता है शरीर तन। जो जल माह तेल की गागरी। जो जल माह तेल की गागरी। माह का मतलब होता है मैं। तेल की गागरी तेल की गगरी या मटकी। बूंद न ताको। ताको मतलब उसको लागी लगना। प्रीति नदी में। प्रीति मतलब प्रेम स्नेह रूपी नदी। मैं पाऊँ पैर ना बोरियो। बोरियो का मतलब है डुबोयो। डुबोना डुबाया। दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब है मोहित होना या मुग्ध हुई या ठीक है ना मुग्ध होना। सूरदास अबला हम बोरी। अबला मतलब स्त्री नारी। भोरी। भोरी का मतलब होता है भोली। गुर। गुर मतलब गुड़। चाटी मतलब चीटी। जो पागी मतलब पगी हुई या लिपटी हुई। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते। नाहिन मन अनुरागी। पुरेन पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी। बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो। दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी। गुर चाटी जो पागे। प्रेम की वेदना या विरहाग्नि में चलती हुई गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती है। उद्धव गोपी प्रसंग। प्रेम की विरह या विरहाग्नि में जलती हुई गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। गोपियां कहती है कि ये उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते। नाहिन मन अनुरागी। कारण बताती है कि क्योंकि तुम हमेशा हे उद्धव तुम हमेशा ही प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम्हारा मन कभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो और तुम्हारा मन कभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। गोपी आगे कहती है पुरीन पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी। पुरीन पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी। गोपियां कहती है कि ये उद्धव तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो। हे उद्धव तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। कमल के पत्ते की विशेषता है कि जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय यह है कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। आशय यह है कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। गोपी आगे कहती है जो जल माह तेल की गागरी।
जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, बूंद न ताको लागी। गोपिया कहती है कि जिस प्रकार तेल की मटकी में, जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर, तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, अर्थात वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण के संग रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे हो, अर्थात तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। गोपियां आगे कहती है, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। गोपियां कहती है, प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। ये उद्धव, यह अच्छा ही किया कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। तुमने हे उद्धव, यह अच्छा ही किया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई या मोहित हुई। गोपियां आगे कहती है, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां कहती है, यह तो हम ही अबला गोपियां हैं, यह तो हम ही अबला गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई है जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है। गोपियां यहां अपनी विवशता को बताती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो और तुम्हारा मन कभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, तुम तो जल में पलने वाले उस कमल के पत्तों के समान है जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। गोपी आगे कहती है कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, नहीं रुकती, अर्थात वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो, अर्थात तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। गोपी आगे कहती है कि अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम बोरी, गुर छाटी जो पागी। गोपियां कहती है, ये तो हम ही अबला गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई है या इस प्रकार लिपटी हुई है जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है। हाँ प्यारे बच्चों, कभी कभी परीक्षा में पद से मतलब काव्यगत विशेषताएं भी पूछते हैं, किसकी भाषा कौन सी है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली कौन सी शैली है, ये गीत शैली है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ, जैसे अपरस त
तद्भव शब्द है अछूता अलिप्त, स्नेह स्नेह, और इसमें देश शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है सुंदर जी ने। क्यों? क्योंकि भाषा की कोमलता को बनाए रखने के लिए। और कवि ने कुछ शब्दों को बदला है, जैसे भोली को भोरी और गुड़ गुड़ के स्थान पर गुड़ को गुर बताया है। अलंकार, इसमें कौन कौन से अलंकार भी कभी कभी पूछते हैं, इसमें वक्रोति अलंकार भी है। कहने को बड़भागी कहते हैं लेकिन यहाँ दुर्भाग्य बताती है, उसको बोलते वक्रोति। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ पर वक्रोति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। रूपक अलंकार है अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ पर रूपक अलंकार है जैसे प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी में पावना बोरी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है गुर चाटी जो पागे, और अनुप्रास अलंकार की तो छटा है नाहिन मन अनुरागी, या फिर पुरेन पात रहत जल भीतर, और इसका जो शब्द गुण है माधुर्य है। कभी कभी भाव सौंदर्य भी पूछते हैं, भाव सौंदर्य लिखिए इसका। तो इस पद में गोपियों की निश्चल प्रेम भावना व्यक्त हुई है, निश्चल प्रेम भावना व्यक्त हुई है प्रस्तुत पद के माध्यम से। उनका संपूर्ण समर्पण देखते ही बनता है, गोपियों का संपूर्ण समर्पण प्रेम के प्रति। वे श्री कृष्ण पर पूरी तरह नौछावर है, उनके प्रेम को भटकाने वाला कोई भी विचार उन्हें क्रुद्ध कर देता है। यहाँ उसी प्रेम प्रेरित व्यंग के दर्शन होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, दूसरे पद के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।